बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं रोस्ट और चिकन रोस्ट। चिकन रोस्ट को बनाने के लिए ये हमारे पास दो साबुत मुर्गियाँ हैं। ये फुल चिकन का हम लोग बना रहे हैं, तो ये दो साबुत मुर्गियाँ हैं हमारे पास छोटी। और इसके अलावा ये मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे, और इसके साथ इसकी पहले मैरिनेशन करेंगे, जिसमें है हमारे पास दो टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चों के, एक कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया, तंदूरी मसाला एक चम्मच, जिंजर पाउडर आधा चम्मच, इसके अलावा तिक्का बोटी मसाला हाफ चम्मच, एक चम्मच नमक, एक चम्मच चाट मसाला, इसके अलावा हल्दी और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर और थोड़ा सा मेरून फूड कलर जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा दो चम्मच दही के और दो चम्मच लेमन के। लेमन के जूस में मैंने थोड़ा सा सिरका भी डाला है, तो आप इसी तरह कर लें। और अब हम इसको कट्स लगाएंगे और इसको मैरिनेट करेंगे। इस तरह हम इसको कट्स लगा लेंगे। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। जितने भी मसाले आपको बताए थे, ये देखिए तमाम मसाले हम इसमें डालेंगे। हाथों पे आप चाहें तो इस तरह ग्लव्स चढ़ा लें, ताकि एक तो आपके हाथ दूसरे मसाले कलर वगैरह ना आए, ज़रा हाइजीनिक लगता है। अब इसमें हम डालेंगे लेमन और सिरका, और इसमें डालेंगे ये दही। दही को इसमें ऐड कर, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसकी मैरिनेशन अगर आप ओवरनाइट करें तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा जूसी और मज़ेदार चिकन रोस्ट तैयार होगा। एक एक चिकन को करके इसमें डालेंगे और इसकी अच्छे तरीके से इसमें डाल के मालिश करेंगे। क्योंकि ये फुल चिकन है, मालिश करेंगे इसको अच्छे तरीके से, अंदर तक सारे मसाले जाएं। इसको अच्छे तरीके से अंदर तक मसाले लगाएंगे, इसको देख लेंगे अच्छे तरीके से। मसाले लग चुके हैं तो उसको रख देंगे अब ये मैरिनेशन के ऊपर लगा दिया। अब तकरीबन इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। एयर फ्रायर में हम लोग बनाएंगे इसको रोस्ट को, तो इसके लिए हमने एयर फ्रायर को प्री हीट पे लगा दिया। आप चाहें तो उसको पैन में भी बना सकते हैं, ऑयल डालें और उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो आप उसको हाफ टाइम के हिसाब से उसको पलट लें। तो ये हमारा प्री हीट हो रहा है अब, और उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। हम इसमें एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल शामिल करेंगे, सिर्फ 2 चम्मच। चिकन को इसमें रख लेंगे। एयर फ्रायर में चिकन को रखे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देखेंगे
और इसकी साइड को लेते हैं। ये इसका टेम्परेचर है। अगर आपके पास ये वाला, अगर आपके पास ये वाला एयर फ्रायर मौजूद है तो उसकी ये वाली सेटिंग होगी। ये तकरीबन 15 से ऊपर मिनट पे इस दूसरी साइड पे मैंने किया था सेट, और ये दो से थोड़ा सा नीचे, तो फिर आपका बहुत अच्छा एयर फ्रायर रोस्ट चिकन तैयार हो जाएगा। अब हम इसको खोल के देखते हैं। कितना खूबसूरत कलर आया है, और देखकर ही लग रहा है कि यह मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है हमारा ग्रोस। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जी, हमारा ब्रोस्ट चिकन एयर फ्रायर तैयार है, और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।